नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस स्पोर्ट्स पर। मैं हूं आपका दोस्त नवीन चौहान। इस वक्त टीम इंडिया में एक से एक क्रिकेटर हैं, जो अपनी मेहनत से टीम इंडिया में अपना मुकाम हासिल कर पाए। लेकिन टीम इंडिया से पहले उनका सफर आसान नहीं था। बेहद गरीबी से निकलकर उन्होंने टीम इंडिया में आने का सफर पूरा किया। आज हम आपको टीम इंडिया में मौजूद 5 ऐसे क्रिकेटरों के बारे में बताएंगे, जो बेहद गरीबी से निकलकर भारतीय टीम के सफर तक पहुंचे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 5, पृथ्वी शॉ। टीम इंडिया में हाल ही में एंट्री करने वाले पृथ्वी शॉ, जो अपने बल्लेबाजी से अच्छे अच्छे गेंदबाजों का चूरमा बना देते हैं, जो किसी गेंदबाज से नहीं डरते। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में ही उन्होंने जबरदस्त सेंचुरी लगा दी। लेकिन टीम इंडिया में आने का उनका ये सफर इतना आसान नहीं था। दुकान के पैसे खत्म होने के बाद एक नेता ने पृथ्वी के खेल से प्रभावित होते हुए उन्हें रहने के लिए अपना फार्म हाउस भी दिया और उनकी आर्थिक मदद भी की। उसके बाद वो बेहद गरीबी में अपने दिन गुजारते रहे और आखिरकार वहाँ से निकलते हुए उन्होंने टीम इंडिया में आने का ये सफर तय कर लिया। नंबर 4, मुनाफ पटेल। टीम इंडिया में एक वक्त मुनाफ पटेल का सिक्का चलता था। उनकी स्पीड के आगे अच्छे अच्छे बल्लेबाज पानी भरते नजर आते थे। हालांकि अब वो टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुनाफ का क्रिकेट खेलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने भी गरीबी देखी थी। गांव से निकलकर वो टीम इंडिया में पहुंचे थे और गांव की उन गलियों से जहां उन्हें दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुनाफ पटेल के पिता मजदूरी करते थे और इस तरीके से उनका पालन पोषण करते थे। बाद में किसी क्रिकेट कोच की नजर उन पर पड़ गई, जिसकी बदौलत मुनाफ पटेल ने टीम इंडिया में जगह पाई। आज मुनाफ पटेल करोड़ों के मालिक हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। नंबर 3, हार्दिक पांड्या। टीम इंडिया में इस वक्त हार्दिक पांड्या का सिक्का जमकर बोल रहा है। वो लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और अपनी गेंदबाजी से भी लोगों को प्रभावित करते हैं। लेकिन टीम इंडिया में आने का उनका सफर कांटों भरा था। उनके पास पैसे नहीं थे और गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। पिता की मासिक आय इतनी थी कि घर का खर्चा भी नहीं चलता था। लेकिन पैसों की कमी और भूख से जूझते हार्दिक पांडे ने अपनी मेहनत से टीम इंडिया का मुकाम हासिल किया और आज वो करोड़ों के मालिक हैं। उनकी वो तस्वीर भी बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हुई थी, जब उन्होंने अपने पिता को कार गिफ्ट की थी। नंबर 2, रविंद्र जडेजा। टीम इंडिया में इस वक्त रविंद्र जडेजा का सिक्का चल रहा है। उनकी स्पिन गेंदबाजी और बल्लेबाजी लगातार प्रभावित कर रही है। लेकिन टीम इंडिया में आने का उनका सफर भी कांटों भरा था। उनका जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे और घर में बैठा बेटा लगातार सपना टीम इंडिया का देखता था। आखिरकार जडेजा ने मेहनत करनी नहीं छोड़ी और वो दिन दूर नहीं था जब जडेजा टीम इंडिया की जर्सी में दिखाई दिए और अब तो जडेजा टीम इंडिया की शान माने जाते हैं। और नंबर 1, महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी बेहद गरीब परिवार से थे। मेहनत करते थे और उसके बाद किसी तरह से खाना खाया जाता था। हालांकि उनकी मेहनत रंग लाई और बाद में वो रेलवे में नौकरी पा गए। उसके बाद उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़कर भी क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा और लगातार क्रिकेट से प्यार करते रहे और वो दिन दूर नहीं रहा जब वो टीम इंडिया में एंट्री कर गए। ऐसे में कहा जा सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी गरीबी देखी है और यही कारण था कि लगातार वो अच्छा खेलते रहे और आज भी उनके चाहने वाले करोड़ों में हैं। ऐसे में इन 5 क्रिकेटर्स की ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो हेडलाइंस स्पोर्ट्स को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरें यही मिलेंगी।